हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने सी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 में जो प्रैक्टिकल होता है बायो का प्रैक्टिकल, उसमें आपको चार्ट पेपर बनाना होता है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल चार्ट में आपको क्या बनाना है और चार्ट में किस प्रकार का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है और कौन सा चित्र आसान है, आप जो बना लेंगे उससे आपका काम चल जाएगा, आपको 30 में 30 मिल जाएगा। किस प्रकार मिलेंगे ये भी बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखिए। तो यहाँ पे आइए इस यहाँ पे इस टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे मान लीजिए आप चार्ट पेपर जो भी चित्र बना रहे हैं, मान लीजिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे पैरामीशन को चित्र दिखाया हूँ वही चित्र आपको बनाना है। आप कोई भी चित्र बनाइए उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़नी होगी, यानी कि ऐसा कुछ कोई चित्र बनाइए जो आपको आसानी से याद हो जाए, उसके बारे में कोई सारी जानकारी आपको इकट्ठा हो जाए। यानी कि ऐसा नहीं कि शुक्राणु बना दिए, शुक्राणु के बारे में जानते ही नहीं, ये कहाँ से कैसे बनता है और ये कितने घंटे तक जीवित रह सकता है और इसके कितने भाग होते हैं, ये चीज़ आप नहीं जान पाएंगे तो दिक्कत होगी और आपको कम नंबर मिलेगा। इसलिए आप ऐसा कोई छोटा चित्र बनाए, जैसे मछली वगैरह बना लिए, मछली के संग जंतु, ये चीज़ें आपको बता देनी है और सिंपल आपका काम चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको कौन सा चित्र बनाना है। तो आपको यहाँ पे पैरामिशन का जैसे मान लीजिए चित्र बना लिए, मान लीजिए यहाँ पे पैरामिशन का चित्र बना लिए हैं और उसके बारे में कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। जैसे आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे, जैसे क्लास में घुसेंगे तो वहाँ बोलेगा आप बैठिए, बैठे बैठने के बाद आपसे पूछेगा कि आप कौन सा चित्र बनाए हैं। प्रैक्टिकल वो चार्ट पेपर खोलिए, चार्ट पेपर आप खोलेंगे तो आप पूछेंगे कौन सा चित्र है, तो आप बताएंगे ये पैरामिशन है, जो भी बनाए रहेंगे आप वो बताएंगे अपना। उसके बाद पूछेगा जैसे मतलब उसी से चार्ट पेपर से ही रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा, जो चित्र बनाए रहेंगे उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन। मान लीजिए ये पैरामेशियम है, तो इसमें पैरामेशियम में आस्टिया और आस्कुलम क्या है, तो आस्टिया उसे कहते हैं जो छोटे चित्रों को आस्टिया कहते हैं, बड़े चित्रों को आस्कुलम कहते हैं, और उसका कार्य क्या है ये चीज़ आप बता देंगे। प्लस फ्रेंड्स, इसमें कितने केंद्रक पाए जाते हैं, माइटोकांड्रिया क्या है और मुख्य खांच क्या है, ये चीज़ आपको बतानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, जय हिंद, वंदे मातरम।